नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बात विनेश फोगाट और पेरिस ओलंपिक की। इस बार पिछले ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने वाली विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में पहुंची विनेश फोगाट में क्या फर्क था, बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल, आखिर क्यों वजन बन गया सबसे बड़ा विलेन? आखिर पूरी रात की एक्सरसाइज और मेहनत क्यों नहीं आई काम? इन सब पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले पूरा घटनाक्रम समझ लेते हैं। दरअसल पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम वर्ग में रेसलर विनेश फोगाट का कुश्ती में डिसक्वालिफाई होना देश को सदमा दे गया। जब देश गोल्ड की आस लगाए बैठा था, जबकि एक मेडल तो पक्का हो ही चुका था, आखिर गोल्ड की ये आस देश लगाता भी क्यों ना, जब प्री क्वार्टर फाइनल में कई बार की वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को विनेश शिकस्त दे चुकी हूं। तो फिर क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची विनेश फोगाट। इसके बाद सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को हराकर न केवल फाइनल तक जगह बनाई बल्कि एक मेडल भी उन्होंने पक्का कर लिया। एक और इतिहास विनेश फोगाट ने रच दिया था। विनेश मंगलवार को 3 मुकाबले जीतकर 50 किलोग्राम रेसलिंग ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई थी। खेल प्रेमी मायूस भले हों, लेकिन देश विनेश के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। हालांकि ये सब पता आपको होगा ही, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं कि भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गए। बुधवार सुबह विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किलोग्राम से करीब 100 ग्राम ज्यादा निकला था। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। लगातार हम भी आपको अपडेट दे ही रहे हैं। अब विनेश को कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। दरअसल विनेश पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी, ये एक बड़ी अपडेट आप समझ लीजिए। इससे पहले विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती लड़ती रही हैं। जैसे ही विनेश डिस्क्वालीफाई हुई, उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, देश के साथ सरकार भी सक्रिय हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा से बात की। उन्होंने रेसलर की मदद के तरीके तलाशने को कहा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने पीटी उषा से कहा कि ओलंपिक संघ में अपना विरोध भी दर्ज कराएं इस पर। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर भी लिखा विनेश फोगाट के समर्थन में कि विनेश आप चैंपियंस की चैंपियन हो, आप भारत के लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा हैं। आज का झटका दुख देता है, काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगी, ऐसा आपका स्वभाव रहा है, मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थे सोशल मीडिया पर विनेश फोगाट के लिए। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, ऐसा नहीं है कि इसका एहसास विनेश या उनके कोच और उनके फिजियो को नहीं रहा था। सोच बताते हैं कि वजन घटाने के लिए विनेश फोगाट पूरी रात एक्सरसाइज करती रहीं। विनेश पूरी रात नहीं सोई और वजन को तय कैटेगरी में लाने के लिए जॉगिंग, स्किपिंग और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज लगातार करती रहीं। कुछ खाया पिया भी नहीं ताकि वेट कम हो जाए और उस कैटेगरी में पहुंच जाए। सोर्स तो यहां तक बताते हैं कि विनेश ने अपने बाल और नाखून तक कटा दिए थे, बावजूद उनका वजन तय कैटेगरी तक नहीं आ पाया। हालांकि भारतीय ओलंपिक दल ने विनेश को थोड़ा और समय देने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई और आखिरकार रात भर की कोशिशों के बावजूद विनेश फोगाट का वजन तय सीमा से कुछ ग्राम ज्यादा निकल गया, करीब 100 ग्राम जो कि बताया जा रहा है, और इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। चलिए अब आपको ओलंपिक कुश्ती में वजन नापने की पूरी प्रोसेस भी समझाते हैं। दरअसल एक कैटेगरी के सभी मुकाबले 2 दिन में आयोजित होते हैं। 2 दिन में जितने भी इवेंट हो जाते हैं एक कैटेगरी के, पहलवान का दोनों दिन सुबह वजन भी होता है और पहले दिन वजन के लिए 30 मिनट का समय मिलता है और इस 30 मिनट में कई बार वजन चेक आप कर सकते हैं, यानी कई बार एक जो पहलवान है वो अपना वजन चेक कर सकता है। दूसरे दिन वजन के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय दिया जाता है। इतना ही नहीं, वजन के बाद खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप भी होता है और नाखून कटे हैं या नहीं कटे हैं, ये तमाम बातें चेक होती हैं सेहत से जुड़ी हुई पहलवान की। और वजन के दौरान पहलवान सिर्फ
कुश्ती का कॉस्ट्यूम पहन सकते हैं, यानी कोई दूसरी कॉस्ट्यूम आप नहीं पहन सकते हैं जब आपका वजन हो रहा है। और विनेश के कितने ओलंपिक, चलिए अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, विनेश ने आखिर कितने ओलंपिक खेले हैं। विनेश फोगाट का ये तीसरा ओलंपिक है, 2016 के रियो ओलंपिक में वे चोट की वजह से बाहर हो गई थी। इसके बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक में वे क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। पेरिस ओलंपिक में विनेश अपना कोई मुकाबला नहीं हारी थी अभी तक, ये सबसे ड्रेस्टिक उनका परफॉर्मेंस था। मंगलवार को फाइनल में पहुंचने के बाद उनका एक मेडल पक्का माना जा रहा था, यानी सिल्वर मेडल उनका पक्का हो चुका था, इंतजार तो अब गोल्ड का था। बहरहाल पेरिस ओलंपिक चयन ट्रायल के दौरान ही विनेश के करियर में एक नया मोड़ आया। पहलवान अंतिम पंधाल के सिलेक्शन के चलते विनेश को अपनी मूल वेट कैटेगरी 53 किलोग्राम वर्ग छोड़नी पड़ी और वेट घटाकर 50 किलोग्राम कैटेगरी में आना पड़ा। आप समझिएगा यहां पे कि वेट का एक बड़ा मामला था, पहले 53 किलोग्राम वर्ग में खेलती थी विनेश फोगाट। बहरहाल ओलंपिक तक पहुंचने की उनकी ये लड़ाई काफी पहले शुरू हो गई थी। 2020 टोक्यो ओलंपिक के बाद विनेश को बैन कर दिया गया। तब इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट को लेकर कहा था कि हमने खोटा सिक्का भेजा था वहां पर। बाद में पहलवानों और बृजभूषण के बीच लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई। तो ये सारे मामले से आप अपडेट भली भांति होंगे जो ये घटनाक्रम हुआ था। बहरहाल इस बीच बैन से दुखी विनेश तानों से परेशान होकर डिप्रेशन तक में चली गई थी। साइकोलॉजिस्ट के पास गई तो उसने कहा कि अगर कुश्ती नहीं छोड़ी तो परेशानी बहुत बड़ी हो सकती है। विनेश तब भी नहीं रुकी, कुश्ती लड़ती रहीं और तीसरे ओलंपिक में आखिरकार उन्होंने अपनी मेहनत से जगह बनाई। सोचे कि एक पहलवान के लिए कितना चैलेंजिंग होता है वजन घटाना। 53 किलोग्राम में विनेश फोगाट पहले कुश्ती लड़ा करती थी, लेकिन उस 53 किलोग्राम कैटेगरी में चूंकि अंतिम पंगाल का सिलेक्शन हो गया था पहलवान का, तब उन्होंने अपना वेट घटाया और 50 किलो की कैटेगरी में उन्होंने कुश्ती लड़नी शुरू की। हार नहीं मानी, संघर्ष करती रही विनेश फोगाट और आखिरकार 50 किलोग्राम वर्ग में, आप सोचिए कि पेरिस ओलंपिक में एक के बाद एक लगातार तीन फाइट्स लगातार उन्होंने जीती और पहली फाइट्स में उन्होंने उस पहलवान को हराया जो करीब लगभग 80 से 83 जो फाइट अपनी लगातार जीतती रही, एक दो फाइट छोड़ दी जाए, लगातार कई बार की वर्ल्ड चैंपियन जापान की उस पहलवान को उन्होंने शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। और इसी तभी से लग रहा था कि हमारा ये गोल्ड लगभग पक्का है, लेकिन ये एक बड़ा बैरियर आ गया और उस बैरियर की वजह से आखिरकार अब हमें थोड़ी सी निराशा जरूर हुई। लेकिन विनेश का हौसला और बढ़ाया जाना चाहिए, विनेश की हिम्मत और बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि विनेश हारी नहीं बल्कि पूरी रात संघर्ष करती रही देश के लिए ताकि उनका वेट कम हो जाए। आपको थोड़ा सा ही वेट का एक सिस्टम भी बता देते हैं। अमूमन जब कोई इवेंट होता है एक कैटेगरी का, तो वेट आपका हो जाने के बाद फिर आपको एनर्जी भी चाहिए होती है, तो फिर आप कुछ ड्रिंक्स, हेल्थ ड्रिंक्स भी लेते हैं, कुछ और भी चीज़ें आप खाते पीते हैं, तब आपका वेट बढ़ जाता है जब आप कुश्ती के लिए जाते हैं। लेकिन फिर अगले जब आप राउंड में, या कहें कि जीतने के बाद अगले राउंड में आप जाते हैं, तो फिर आपको अपना वेट कराना होगा और उस स्थिति में आपका वेट बढ़ा होता है। तो ये सारे चैलेंजेस सभी पहलवान के सामने आते हैं और उसी चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी रात जागी, बगैर खाए पिए लगातार एक्सरसाइज विनेश फोगाट करती रही, लेकिन आखिरी क्षणों में हमें निराशा हाथ लगी। लेकिन विनेश फोगाट ऐसा नहीं कि हार गई है, संघर्ष करने वाली वो महिला पहलवान है और संघर्ष आगे भी उनका जारी रहेगा। फिर हमारी तरफ से उनके लिए शुभकामनाएं।